What's up, beautiful people? This is Subhro and welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hope आप सब अच्छे हैं। तो आज का स्टोरी कुछ ऐसा है कि कुछ दिन पहले I went to Sony store which is in Splanet, Kolkata, क्योंकि मुझे एक बैटरी लेना था Sony RX100 Mark 6 जो मेरा व्लॉगिंग कैमरा है उसके लिए। ये जो Sony RX100 Mark 6 कैमरा है ये बहुत ही अच्छा कैमरा है, कमाल का कैमरा है, बट क्या है इसका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा कम है। ऐसे व्लॉगर एक्स्ट्रा एक बैटरी साथ में कैरी करना इम्पोर्टेंट होता है। मैंने गया सोनी स्टोर पर और वहाँ से एक बैटरी खरीदा। बैटरी लेने के बाद सोचा स्मरणिका में जाके कुछ चाय कॉफी पी लेते हैं और उसके बाद घर लौटते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि स्मरणिका क्या है, कहाँ है, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्मरणिका है अ ट्राम म्यूजियम ऑफ कोलकाता एलोंग विद अ एयर कंडीशन्ड कैफेटेरिया। सुनने में अच्छा लगा ना, तो चलो दिखाते हैं। ट्राम कोलकाता के एक ओल्ड ट्रेडिशन है। इट्स अ हेरिटेज ऑफ कोलकाता। इट्स आल्सो द ओल्डेस्ट रनिंग इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम इन एशिया सिंस इट्स बिगिनिंग इन द ईयर ऑफ 1902। तो ये जो स्मरणिका है ये है इस प्लैनेट ट्राम डिपो में। दिस म्यूजियम ओपन फ्रॉम 1 PM टू 8 PM एक्सेप्ट थर्सडे। थर्सडे को ये बंद रहता है और यहाँ पे टिकट का प्राइस है 10 rupees पर हेड। The manufacturing identity of Smaranika is CTC 142, जिसको बनाया गया था in the year of 1938 में। बाद में इसको 2014 में CTC Nonapukur Workshop में modify किया गया in order to bring it to the present condition। इस ट्राम म्यूजियम में है दो बॉगी। एक में है एयर कंडीशन्ड कैफेटेरिया वेयर यू कैन गेट टी, कॉफी, बिस्किट, केक, चिप्स, चॉकलेट, स्नैक्स एंड ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक्स। और एक बॉगी में है म्यूजियम जहां तुम्हें देखने को मिलेगा ओल्डेस्ट हॉर्स ड्रॉन ट्राम, सिस्टम लोकोमोटिव ट्राम, वाटरिंग ट्राम, फ्रॉम द फ्लैट वागन ट्राम कट टू मोस्ट मॉडर्न AC ट्राम। Here also you can find old tram controller, point bar, coin exchanger, ancient coins, tram workers uniform, badge, hat, button, old ticket, etc. But ज़्यादा video हम बना नहीं पाया because photography and any kind of professional camera strictly banned inside the museum. But thanks to छोटो काकू, I mean my uncle. बंगाली में हम लोग अंकल को काका या काकू ऐसे ही बोलते हैं। एंड आई कॉल हिम छोटो काकू हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ कलकत्ता ट्राम्स कंपनी और CTC। एंड थैंक्स टू जलाल अंकल जिन लोगों के सपोर्ट से मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना पाया और वो भी प्रोफेशनल कैमरा से। तो ये था कुछ ट्राम म्यूजियम का स्टोरी। जाते जाते जलाल अंकल के मुँह से सुन लो कि ये ट्राम कार म्यूजियम क्यों बनाया गया है। वीडियो खत्म होने के बाद लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और जाके घूम के आना। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, स्पेशली अड्डा मारने के लिए तो एकदम परफेक्ट जगह है। और कुछ अलग सा फील होगा जब तुम उधर बैठ के चाय पी रहे होगे, कॉफी पीते होगे, तो एक हेरिटेज जो है ना कोलकाता का तो वो तुम फील कर पाओगे। तो तब तक जलाल अंकल की मुंह से सुन लो कि क्यों इस ट्रामकर म्यूजियम को बनाया गया है। हमारे भारतवर्ष अनेक गाड़ी आछे, অনেক যানবাহন আছে, কোনো দূষণমুক্ত যানবাহন বলতে একদম একমাত্র ট্রামকেই বোঝা যায়। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক মিউজিয়াম আছে, এমনকি কলকাতাতেও অনেক মিউজিয়াম আছে, কিন্তু কোনো মিউজিয়ামেই দেখবে ট্রামের কোনো সরঞ্জাম দেখানো হয়নি, সেখানে থাকা উচিত ছিল। ট্রাম হচ্ছে আমাদের বাংলার একটা গর্ব। এই গাড়িটা ভারতবর্ষে কোথাও নেই, শুধু আমাদের বাংলাতেই আছে, একমাত্র কলকাতাতেই। এটা কলকাতার গর্ব এবং আমাদের বাংলার গর্ব বলতে পারবে। তো এই ট্রামকে তৈরি করেছিল 1873 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার। তো সেই তখন থেকে নিয়ে তারপরে ট্রামের আবার একটা পরিবর্তন হয়েছিল 1883 সালে, সেটা ছিল স্টিম পাওয়ার ট্রাম। 1873 সালে যেটা হয়েছিল সেটা হর্স ট্রাম, 1882 সালে যেটা হয়েছিল সেটা স্টিম পাওয়ার ট্রাম। তারপর এখন তোমাদের জেনারেশনে যে ট্রামগুলো আমাদের কলকাতায় দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ট্রাম, পলিউশন ফ্রি ট্রাম। তো এই যে ট্রামের পরপর ধাপ চেঞ্জ হলো সে ব্রিটিশ সরকার থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত, তো কোন ট্রামেরই পুরনো জিনিসগুলো এখনকার জেনারেশনের ছেলেরা কিন্তু অজানা। তা সেই ট্রামের অজানা ব্যাপারটাকে জানানোর জন্যই এই ট্রাম স্মরণিকা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আসলে মানুষ এই স্মরণিকায় এসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তার ট্রামের সমস্ত ইতিহাসটাকে জানতে পারবে। এই আগ্রহ নিয়েই মানুষ স্মরণিকায় আসে।